फिटनेस ट्रेनर, अगर आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आप इनके सर्टिफिकेट्स और सब कुछ देख पाओगे। हेलो भैया। हेलो। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर चेस्ट वर्कआउट और आज हम चेस्ट को ट्रेन करने वाले हैं गणेश भैया के साथ। एंड लिटरली लास्ट टाइम जब ट्रेन किया था अपने शोल्डर्स को मैंने, सो आई कैन फील दैट मसल ग्रो, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। अब देखते हैं कि और पंप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है था, तो अब देखते हैं कि चेस्ट का वर्कआउट कैसा रहता है। आई होप ये बेस्ट जाएगा गणेश भैया के साथ। 20 से भी डायरेक्टली हमने 25 नहीं लिया है, तो वार्म सेट हो चुका है। वार्म सेट लेना चाहिए, वार्म सेट लेना है हमें। तो कभी भी हम लोग इंक्लाइन करेंगे तो डंबल ऑलवेज उतना नीचे के टॉपिक रहेगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर लेना है हमें। ज़्यादा जितना क्लोज जा सके शोल्डर के उतना ऊपर रखना, ताकि स्लो जाए। नीचे रुकोगे तो उतना ऊपर नहीं आ पाएगा। सो सिद्धार्थ इज डूइंग चेस्ट एंड ही इज डूइंग शोल्डर्स। सो हम इस शोल्डर्स का वर्कआउट कर रहे हैं। अब ये साइड रेस करेगा, सो पॉकेट के पास रखना है एंड स्ट्रेट अप। गो वन, यस। पॉज अ सेकंड, और अलग एक सेकंड पॉज, ऊपर अलग एक सेकंड पॉज करना, स्लोली डाउन। लाइट वेट है, वार्म सेट है, इसलिए वो पॉज लेके कर रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट। ये साइड रेल्स के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है ये, क्योंकि जो भी आपका वी टेप आएगा, जो भी आपका ब्रॉडनेस रहेगा, जो आपकी विथ रहेगी, वो ये मसल डिफाइन करता है। इसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी को भी अपनी विथ बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा ये एक्सरसाइज पर फोकस करना। परफेक्ट। सो प्रेस के साथ फ्लाई भी ले रहे हैं और हमें चाहिए कि उसका सिर्फ बैक उसके ऊपर हैंग रहे, ताकि उसका सिर्फ चेस्ट पर फोकस रहे। एल्बो पे फोकस करोगे तो पूरा पीछे की तरफ आ रहा है और आगे जा रहा है। रियली फोकसिंग ऑन हिज अपर चेस्ट। गुड, वेल डन, वेल डन। गो गो गो। आदमी ने कहा फोकस प्रेस करना है अच्छे से ऊपर जाकर। नया से गुड। 215 और 12 तो गाइस अभी हम लोग डिक्लाइन बेंच प्रेस मार रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं वाइड ग्रिप, आफ्टर दैट जाएंगे क्लोज ग्रिप के ऊपर। दूसरे दोनों के 12 रेप्स ले रहे हैं। एंड जो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ग्रिप लेना है, वाइड ग्रिप, आफ्टर दैट क्लोज ग्रिप यहाँ पर पकड़ेंगे। एंड भैया वेट्स कितने लेंगे? वेट्स हम और 5 ऐड करेंगे, क्योंकि वार्म सेट कर लिया है हमने 10 kg से। हम 15 करेंगे अभी। ओके ओके देन, अभी देख लो, वहीं पर मिलते हैं। वो फास्ट आएगा, कॉन्सेंट्रिक फास्ट जाएगा, इसेंट्रिक जब नीचे आएगा तो स्लो आएगा। इसेंट्रिक को फील करना है, बहुत सारे लोग इसेंट्रिक फील नहीं करते, उस वजह से उनको रियल पंप नहीं आता, अच्छे से पंप फील नहीं होता, क्योंकि वो इसेंट्रिक मिस करते। इसेंट्रिक मीन्स नीचे आते रहते। I'm trying to learn from all of these mistakes. I'm trying to lock my heart before.
9. So भैया, what's the advantage of this exercise? जब हम होल्ड करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड एंड ऑक्सीजन उस मसल को पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे जब यहाँ पे जब वो होल्ड करें तो कॉन्ट्रैक्टेड है, कंटिन्यूसली मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुँचेगा और जब वो मसल फटेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। जो उसने कल न्यूट्रिशन लिया है, जो अमीनो एसिड उसके ब्लड में प्रेजेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल पाएंगे और जल्दी रिकवरी होगी और अच्छा फुलनेस आएगा मसल में। Good. Do 12. Yes. Now close it. Go. Slow and control. Lightweight warm up. Do 12. अपराइट में क्या करना है, बॉडी से थोड़ा सा आगे रखना है बार को और जितना शोल्डर अलाउ कर रहा है उतना ही एल्बो ऊपर लाना है। डोंट लुक टू अप, फिर वो अलग जाएगा ट्राइप्स पे आएगा। जितना बॉडी अलाउ कर रहा है उतना ही और बॉडी से थोड़ा सा आगे रखना है और थोड़ा सा आगे। टू फोकस 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 चेस्ट अप यस 4 5 गुड कंट्रोल 6 7 8 9 10। सो गाइस, आफ्टर डिक्लाइन बेंच प्रेस के बाद हम लोग अभी केबल फ्लाइज लेंगे। वहाँ पर है केबल फ्लाइज और पुशअप्स दोनों को साथ में लेंगे करके लाइक ऑल्टरनेट। एंड आई डोंट नो यार कि कितना लाइक कैसा पंप होने वाला है, बिकॉज अभी से इतना अच्छा पंप हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ। तो लेट्स गो एंड अभी केबल फ्लाइज लेते हैं। Focus, feel the pump, focus, focus, slow, head up, chest up, head up. कभी भी करते हुए नीचे नहीं देखना। Go slow down. 3 seconds to go down and 1 second to come up. Slow. 1, 2, 3 up. 3, 1, 2, 3 up. Again. 1, 2, 3 up. Go slow. 1, 2, 3 up. 1, 2, 3 up. 1, 2, 3 up. Good. 1, 2, 3 up. Go. Don't give up. 1, 2, 3 up. दोनों ऐसे दबाना है यहाँ पर। यस, चेस्ट अप, हेड अप, प्रेस इट, स्क्वीज इट, जितना स्ट्रॉन्ग अप कर सकते हो स्क्वीज कर सकते हो। यहाँ में क्यों करना है कि मैक्सिमम ब्लड एंड ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचे, वही थेरेपी उसका, मैक्सिमम ब्लड एंड ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचना चाहिए और अच्छा फुली रिकवरी होना चाहिए। प्रेस इट, स्क्वीज इट, 10 seconds, रिलैक्स। सो डूड, वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। और अगर आप भैया को फॉलो करना है तो आप, मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टा आई डाल दूंगा, आप जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे जाओ, मैसेज की DM करो और वो आपको शॉर्टली रिप्लाई देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पंप है यार, मैं क्या बताऊँ, बट रियली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इट्स योर वॉइस, इट्स योर।